चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आखिर तुक्का कैसे लगाई जाती है, मतलब एएमआर सीट की जो है ना कैसे भरी जाती है। देखो, कई बच्चे गलत कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव तक फेल हो जाते हैं। और देखो, तुक्का लगाने का जो तरीका है मैं आपको ऐसे बताऊंगा ना, ये किसी भी एग्जाम का, वो कंपटीशन लेवल का हो चाहे आपका बोर्ड लेवल का हो, सब एकदम 100% आपका सही होगा। और एक चीज और मैं बताऊंगा कि देखो, हर चीज में ऑब्जेक्टिव जो है ना आधा आधा हो चुका है। अगर आपके एग्जाम में अगर आपके एग्जाम में 100 नंबर का, समझिए कि मतलब 100 नंबर का आपका एग्जाम है, तो उसमें 50 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। ये बोर्ड लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो ओएमआर सीट भरने का सिस्टम है, तुक्का लगाने का सिस्टम है, एकदम देखो सिंपल तरीके से समझ जाएंगे तो बड़ी आसान है, और ना समझ में आए तो बहुत भारी हो जाएगा। आदमी जौना चीज के मतलब भारी मान लेता है ना, वो चीज उसके लिए भारी हो जाता है, कभी दिमाग में ना बैठेगा। अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन दिया और दिमाग में आप बैठा ली कि बाप रे बाप ये बहुत भारी हमसे याद नहीं होगा, तो याद रखिएगा जीवन भर में आपको नहीं याद होगा। अगर बड़का कोई क्वेश्चन दे दिया, आप दिमाग में ये बैठा लिए कि बहुत सिंपल, इसको तो मैं सिंपली याद कर लूंगा, तो याद रखिएगा वो सारी चीज आपको सिंपली याद हो जाएगी, होगी हार्ड लेकिन याद हो जाएगी। समझ में आ रही है? देखो, तो तुक्का कैसे लगाई जाती है, ओएमआर सीट को कैसे आप भर सकते हैं, सिंपल सी तरीका। देखो, जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन सेट होते हैं ना बाबू, तो वो होते दो तीन तरीके से होते, एक सिंपल, दूसरा मीडियम और तीसरा का मतलब हार्ड क्वेश्चन होता है। तो कहने का मतलब, जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन सेट होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसमें जो होता है ना, मतलब उसमें जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, सिंपल, वो करीबन 40% सिंपल क्वेश्चन उसमें सेट करी जाती है। और उसके बाद मीडियम क्वेश्चन भी 40% होता है, और मात्र देखी जाए तो आपका जो हार्ड होता है ना, हार्ड क्वेश्चन, वो मात्र 20% ही सेट किया जाता है। क्योंकि एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता है ना, उसको सब मालूम है कि लड़का कितना पढ़ता है, कितना जवाब दे सकता है, वो उसी अनुसार सेटे करके बैठता है, ठीक है। देखो, तो टुक्का लगाने के लिए पहले आप ये समझो कि आपके एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो कैसे कैसे आते हैं। वो तीन टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक तो सिंपल आएंगे, सिंपल 40%, ठीक है ना, क्योंकि देखो उसके बाद मीडियम आपका 40% और हार्ड क्वेश्चन मात्र 20% आते हैं। अब सोचो, यहाँ 40-40-80% अगर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव नंबर आ जाते हैं ना, बहुत है, एग्जाम को तो उखाड़ के फेंक दीजिएगा साफ। तो देखो, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन बैठो ना सॉल्व करने के लिए और ओएमआर सीट भरने के लिए, मान लो कि देखो, मान लो कि आपके क्वेश्चन पूछ दिया कि प्रकाश कौन सी रेखा में चलती है, आपका ऑप्शन ए सही है, ठीक है ना। चार को आपको दिया ऐसा है, डिब्बा डूबी, और ये ए बी सी है, ठीक है ना, ए बी सी डी है, आपका ऑप्शन ए सही है। तो ऑप्शन ए को क्या करना है, रंग देना है। सबसे पहली बात है कि 10-10 क्वेश्चन का पाई चार्ट बनाइए। कहने का मतलब 10 क्वेश्चन पहले समझिए, जो जो आपको क्वेश्चन आ जाता है ना, मान लो कि 1 से 10 तक क्वेश्चन, उसमें से मात्र आपको 5 क्वेश्चन आ गया, 1 नंबर आ गया, 3 नंबर आ गया, और सब आपको क्वेश्चन अभी नहीं किया, तो 1 नंबर वाले के आंसर क्या करिए, भर दीजिए। उसके बाद 3 नंबर वाले के आंसर भरिए, जो नहीं आ रहे उसको छोड़िए, साफ एकदम छोड़िए। पहले मैंने बताया ना, पहले सिंपल क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, फिर आप मीडियम क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद आप हार्ड वाले को सॉल्व करना है तो करिए, तो छोड़िए। 80% 100 में बहुत मायने रखता है, याद देखिएगा, बहुत मायने। कंपटीशन लेवल में तो देखिएगा 65-70-75 इससे ज्यादा लेवल, मतलब परसेंटेज भी नहीं करता है, उतना ही आपका नौकरी मतलब लग जाएगा। तो कुछ बातें जो ना बेसिक से समझनी पड़ती है, वो समझ देंगे वो आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो, तो क्या करना है कि जब मान लो कि 1 का अगर ए सही है, तो ए को क्या करना, ओएमआर सीट में आपको भर देना है। लेकिन याद रखना, ओएमआर सीट में भरते समय आपको इस प्रकार भरना है ना कि इसका एको को मतलब उजला आपको भाग नहीं दिखाई दे, और गोला से बाहर भी नहीं निकलनी चाहिए। अगर गोला से बाहर निकल गया तो वो आपका काट कूट के रख देगा, देखिएगा। तो जरूरी है ओएमआर सीट पर थोड़ा सा सही से रखना, और कलम भी यूज करना आपको सही तरीके से। एग्जाम भी आपका नजदीक है, वो अभी तो कंपटीशन लेवल का SSC को 24 को एग्जाम पढ़ने वाला है, साथ में ये बोर्ड एग्जाम भी ये सामने ने दिखाया है, 2-4 महीने के बाद एग्जाम भी है। तो कहीं ना कहीं ये जानना हम लोग के लिए क्या जरूरी होता है, ठीक है ना। तो पहले आप क्वेश्चन पर फोकस करो, पहले एकदम सिंपल क्वेश्चन को देख लो, जो जो आता है उस पर टिक लगा दो। मान लो कि 1 नंबर क्वेश्चन आएगा, टिक लगा दो कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। फिर 10 नंबर क्वेश्चन आएगा, 10 पर टिक लगा, जो सिंपल क्वेश्चन है पहले उस पर टिक लगाओ, और सिंपल क्वेश्चन को क्या करो, ओएमआर सीट में भर दो। लेकिन ओएमआर सीट में भरते समय आपको ध्यान देना है कि एक भी भाग हमें उजला नहीं छोड़ना है, और साथ में गोला से बाहर आपकी राइटिंग नहीं निकलनी चाहिए। ये दो बातें ख्याल रखना है, एक उजला भाग नहीं छोड़ना है और गोले से बाहर आपकी नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है ना, ये बातें। और जो ऑनलाइन बच्चे वो एग्जाम देते हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं होता, उठाइए रंग भर दीजिए, काम खत्म होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन जो आप पेपर पे एग्जाम दे रहे हो, ओएमआर सीट भर रहे हैं कलम से, उसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें रहती है।
ठीक ना। तो पहले आपको सिंपल क्वेश्चन ढूंढ लेना है, उसमें टिक लगा देना है, उसके बाद ओएमआर शीट में भर देना है। फिर मीडियम क्वेश्चन आपको ढूंढ लेना है और मीडियम क्वेश्चन में जो आपका आंसर आएगा उसको लगा देना है, जो आएगा उसी को, और उसके बाद ओएमआर शीट में भरना है। फिर हार्ड आ रहा है तो हार्ड भाई भरिए, नहीं भर तो छोड़िए, कहलाइन ज्यादा लगा दीजिए, कम करता हूँ, ठीक है ना। कट ऑफ कितना परसेंट आएगा, ज्यादा ये नहीं करता कंपटीशन लेवल अगर हम लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं तीन तरीका अपनाना। पहले सिंपल तरीके वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना, टिक लगा के ओएमआर शीट में भरना है। फिर मीडियम वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें क्या करना, ओएमआर शीट में भरना है। हार्ड आ रही है तो सॉल्व करो, उसको क्या करो, लिखो, छोड़ना भी नहीं, भर देना है, ठीक है ना। तो ये तीन तरीके से आपका क्या हो सकता है, ओएमआर शीट क्लियर हो सकता है। अब ओएमआर शीट भरने के लिए आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, बस क्या रखनी है, तो आपका गोला के अंदर जो है ना उजला पार्ट एक भी नहीं छूटनी चाहिए, और दूसर का गोले से बाहर लिखावट जो आपकी राइटिंग है बाहर नहीं आनी चाहिए, रंगने की क्रिया बाहर नहीं आनी चाहिए, वरना नंबर आपको काट लेगा। कुछ बातें एग्जाम में मतलब ध्यान देने वाली बातें रहती है। तो ओएमआर शीट कैसे भरना है आपको ये भी समझ में आ गई, और कैसे टुका लगाना है, तीन तरीके से, मीडियम सिंपल हार्ड, मीडियम सिंपल हार्ड। तो सिंपल एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सेट होता है, 40% सिंपल, 40% मीडियम, 20% हार्ड। तो 40-40-80 में मीडियम और सिंपल देखना भाई, इतना कमजोर थोड़े हैं कि हमसे सिंपल और मीडियम क्वेश्चन ना बनेगा, अरे हार्ड ही नहीं ना बनेगा, अंधेर का लकड़ी मार जाएगी बाद में। तो देखो कुछ बच्चा क्या करता है, शुरू में हार्ड करने के चक्कर में साफ एकदम सबको बर्बाद कर देता है। बुआ देखो जब भी चलो ना तो सिंपल मतलब स्टार्ट करो एकदम एक एक से। अब सीढ़ी पर चढ़ना है तो पहले एक सीढ़ी पर चढ़ेंगे, एक बार 10 सीढ़ी पर चढ़ जाएंगे भाई, एक एक चढ़ेंगे तब ना 10 सीढ़ी पर पहुंचेंगे। एग्जाम में जब भी बैठो ना तो याद रखना, तुम्हारा जो कॉपी है वो तुम्हारा मैदान है, कलम तुम्हारा औजार है, और तुम उसका क्या हो, क्षत्रिय हो, युद्ध तुमको लड़ना है एग्जाम में बैठ कर, याद रखना, समझ वाली बुआ। तो जब भी जो हार्ड क्वेश्चन आपको दिखाई उसको छोड़िए, जो सिंपल क्वेश्चन है पहले उसको सॉल्व करिए, आज जो मीडियम क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए, फिर हार्ड पर आप ध्यान दीजिए। तो स्टार्टिंग हार्ड से करिएगा, एको क्वेश्चन ना बनेगा, एग्जाम में मुँह चीर के चले जाएगा, वो सब गोल हो जाएगा, कितना आप तेज रहेगा, आप कुछ दिमाग नहीं लगाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो बड़ी दिमाग लगाना पड़ता है एग्जाम पास करने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि एग्जाम पास करने के लिए सिर्फ आप पढ़ाई करो, आप पढ़ाई करो अपने आप को विकसित करने के लिए, अपने आप को मतलब अपने माइंड को बढ़ाने के लिए। ये दिन माइंड बढ़ गया ना बाबू, आपको आगे बढ़ने से दुनिया का कोई ताकत ना रोक सकता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ओएमआर शीट समझ में आ गई आपको, और ये क्वेश्चन कैसे सेट होता है और कैसे कैसे, पहले सिंपल क्वेश्चन को ओएमआर शीट में भरना है, ठीक है ना, टिक लगाकर, और फिर मीडियम को हार्ड बनेगा तो बनाना है, उसको टुका लगाना है, काम खत्म, ठीक है ना। चलिए ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग एक नए टिप्स को लेकर फिर मिलेंगे।